खूबसूरत नजारों के साथ आज हम जा रहे हैं। जी नहीं, हम किसी हिल स्टेशन पर नहीं, हम हैं पिंक सिटी जयपुर। सिटी जयपुर से आमेर की तरफ जाते हुए रास्ते में पड़ता है जयगढ़ फोर्ट। ऊंची-ऊंची पहाड़ियां और खूबसूरत नजारों के बीच में ये नजारे आपको दोबारा आने पे मजबूर कर देंगे। आन बान शान, जहां आज भी रेत के कण कण में बसी है, वो है राजस्थान। देश और विदेश से टूरिस्ट यहाँ गौरवशाली इतिहास को देखने आते हैं। उसी इतिहास के पन्नों में एक नाम लिखा है, जय बाण। जी हाँ, जय बाण एक तोप का नाम है जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी तोप है। वहीं आज हम जाएंगे। यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है भाई। अभी आमेर के किले में भी जाएंगे और उसकी अलग जगह जाएंगे, दोनों लोगों को पता नहीं, वहाँ ड्रोन भी उड़ाएंगे, अपना शूट भी करेंगे। राजस्थान का सबसे सुनहरा इतिहास रहा है जयगढ़ फोर्ट। इतिहास के पन्नों में आज भी यहाँ की रखी एक ऐसी धरोहर है जिसका नाम गिनीज बुक में तो है ही और इतिहास के पन्नों में हमेशा रहेगा। यह बाण तोप 50 टन की आज भी चालू हालत में है। कई लोगों का कहना, इंदिरा गांधी ने सोना लूट के लेके थे, 50 ट्रक भरा था सोना का। वो जगह भी दिखाऊंगा कहाँ से भरा था, क्या राज है उसका, सारी चीज़ें दिखा रहा है। हाँ, और उसमें एक ट्रक गायब भी हो गया था, किसी ने कर दिया है। पहाड़ों में भी मजा आता है गाड़ी चलाने का, वही मजा ये अंदर किलों में भी आता है। कभी कभी ही मिलता है ये टाइम कि हम किसी किले या महल के अंदर गाड़ी चला रहे हैं।
है भाई जय सिंह ने मनाए थे और ये दुनिया में एक बार ही चली ना, और इसका गोला चक्षु नाम की जगह गिरा हुआ तालाब बन गया। गाँव है कितना नुकसान हुआ भैया? काफी लोग बहरे हो गए, कई साउंड काफी तेज था इसका, बहुत सारे लोग बहरे हो गए। 100 किलो बारूद लगता है एक बार चलाने में। 100 किलो बारूद लगता है भाई। महल की दीवारें खंडहर हो गई थी, महल भी टूट गया था काफी, मतलब नुकसान हुआ, किले की दीवारें वगैरह डैमेज हो गई। तो कह रहे जिसने चलाया पानी में जाके बैठ गया था वो तब भी बहरा हो गया था। जैसे अपन फटाका चलाते ना एक छोटा सा, उसमें एक 1.5 ग्राम बारूद आता है, उसमें कितना तेज आवाज होता है, उसको चलाने के लिए 100 किलो लगेगा। तो उस समय के कारीगरों ने सोचा भी इसकी आवाज काफी तेज होगा, इसने क्या किया, तोप यहाँ रखी हुई थी, दीवार के पीछे की तरफ गड्ढा बनाओ बड़ा सारा, वहाँ तक इसकी बारूद की बत्ती लगाई और बत्ती से आग लगाने के बाद जितना समय लगा ना बत्ती को लेकर यहाँ पे आने, उसमें आदमी लोग इसकी आवाज़ से बचने के लिए पानी में कूद गए ताकि तोप की आवाज़ से पानी के अंदर में ताने के प्रदान ना पड़े। चली नहीं तो काफी नुकसान हुआ, जब किला प्राइवेट हो गया तो जो पानी के अंदर थे वो भी नीचे चट्टान हो जाएगा टकरा कर वो खत्म हो। और जयपुर शहर बाद में बसा, उससे पुराना शहर है आमेर। जयपुर जो 300 साल पुराना है और आमेर जो 1000 साल पुराना शहर है, तो वहाँ की जो गर्भवती महिलाएं थी ना, प्रेगनेंट जो लेडीज है, उनके गर्भ तक गिर गए थे इसका साउंड, इतना तेज धमाका था। परमाणु बम था पूरा का पूरा, पूरा परमाणु बम कह सकते हैं। और उसके हम कभी आवश्यकता पड़ी नहीं चलाने के लिए, इसलिए कभी जरूरत पड़ी नहीं। चलो ठीक है, आपको तो ठीक है भैया, थैंक यू। ये तो भी दिखाने लाए थे हम आपको। तोप का नाम गिनीज बुक में है, 300 साल पुरानी ये तोप, एनएको 300 साल पुरानी है, बिल्कुल आज भी नई हालात में और चालू हालात में है और हजारों साल तक ऐसी ही रहेगी ये तोप, क्योंकि बनाई गई इसी डिजाइन से है ये तोप। इसे अगर पानी में भी 1-2 साल के लिए रखा जाए अब भी इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तोप को सिर्फ एक बार ही टेस्ट किया गया जिसके परिणाम बहुत ही घातक हुए। इसका गोला 35 किलोमीटर दूर एक गांव में गिरा जहां पर झील बन गई और इससे पशु पक्षी बहरे तो हो गए और इंसान भी बहरे हो गए। इस तोप को वैसे दोबारा चलाने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी और ना ही कोई चलाना चाहता था दोबारा। इससे इतना नुकसान हुआ कि किले की दीवारें भी टूट गई, दरारें आ गई, बहुत सारा नुकसान हुआ उस टाइम। ये किला बहुत ज्यादा एडवांस था। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि इस तोप को भी इसी किले में बनाया गया था, यहाँ कारखाना था तोप बनाने का, इसलिए अपने टाइम के हिसाब से ये बहुत ज्यादा एडवांस था। पानी स्टोर होता है इसमें, और कम से कम इसी के अंदर 50 ट्रक सरकार उठा के ले गई थी इंदिरा गांधी, ये यहाँ का लोगों का कहना है।
उसके बाद चलेंगे मानसागर झील, जिसके बीचों बीच बना हुआ है जल महल, जो दिखने में बेहद ही ज्यादा सुंदर है, जिसको आपने फिल्मों में भी देखा होगा। टाइम पे महाराजा तो महाराजा के कुछ खास ही मेहमान यहाँ रुकते थे। गर्मियों में ये बिल्कुल एसी का काम करता था, ये महल बड़ा ठंडा रहता था। अभी हमें जाने की एंट्री तो नहीं है जल महल में, पर बाहर तो हम घूम ही सकते हैं। जल महल एक अच्छा सेल्फी पॉइंट है। इसके बाद चलेंगे एक लोकेशन पे जहाँ पर जयपुर पूरा बड़ा सुंदर दिखता है। ये जल महल है भाई, और यहाँ की खास बात ये है कि उसी टाइम में यहाँ पर फिल्टर लग गया था पानी का। यहाँ अभी पानी कैसा फिल्टर है, दिखता नहीं कैसा फिल्टर है, बिल्कुल साफ पानी रहता है, ना कोई गंदगी ना स्मेल मारता, ये रुका हुआ पानी है, ये हमेशा साफ रहता है और बिल्कुल सही रहता है। जाना चाहते थे इस पॉइंट पे, पर सरकार ने ये पॉइंट बंद कर दिया है। इस पॉइंट पे ना पूरा जयपुर बड़ा सुंदर दिखता है, तो ड्रोन हम यहीं से उड़ाने वाले थे, लेकिन सरकार ने ये इसलिए बंद कर दिया क्योंकि एक बार यहाँ बिजली गिरने से बहुत सारे आदमियों की मौत हो गई थी। यहाँ तो जा नहीं पाए, अब जाएंगे कैफे में, जिसका व्यू और कॉफी दोनों चीजें बहुत ही शानदार है।
यहाँ हमने काफी वक्त गुजारा, क्यों शानदार व्यू के साथ साथ शानदार कॉफी। अब टाइम हो गया था घर वापसी का, चलते हैं दिल्ली वापस। रास्ते में रुकेंगे शिवा ढाबे। ड्रोन व्यू के साथ कुछ मस्ती भी बनती है थोड़ी बहुत। हमें नहीं पता था ड्रोन भी आदमी को लिटा सकता है। अगले वीडियो में जाने वाले हैं हरिद्वार और ऋषिकेश। मैं दिखाएंगे आपको कुछ ऐसे रिसोर्ट जो बिल्कुल हटके हैं, जो भीड़ भड़कता और बिल्कुल अलग नेचर में आपको लेके जाएंगे। बिल्कुल फैमिली के साथ भी आप यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। अगर गर्मियों की छुट्टियों में आप फैमिली के साथ जाना चाहते हैं तो ये बेस्ट रिसोर्ट होंगे आपके लिए, देखना ना भूलें।